बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम करेक्टरिस्टिक ऑफ लॉगरिथम को डिस्कस करेंगे, बट इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि लॉग वैल्यू जो होती है वो करेक्टरिस्टिक ऑफ और मैंटिसा का कॉम्बिनेशन होती है, बट आज हम जस्ट करेक्टरिस्टिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं करेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन की तरफ। तो डेफिनेशन इसकी क्या है स्टूडेंट, इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट, इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉग। लॉगरिथम का कौन सा पार्ट होता है, ये इंटीग्रल पार्ट होता है। मज़ीद सिंपल हम इसको करें तो हम कहेंगे कि इट इज़ एन इंटीजर, इंटीजर होता है स्टूडेंट कोई एक इंटीजर नंबर। अब इंटीजर नंबर तो बहुत सारे होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन जो एक्सपेक्टेड होते हैं, जो मोस्टली लॉग वैल्यूज में आते हैं, वो होते हैं ज़ीरो हो सकता है, प्लस माइनस वन हो सकता है, प्लस माइनस टू हो सकता है और प्लस माइनस थ्री हो सकता है। तो ये मोस्ट कॉमन करेक्टरिस्टिक होती है, मोस्टली जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उनमें ये नंबर ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो अब ये तुमने बात कर ली कि करेक्टरिस्टिक जो है वो इंटीजर पार्ट है। अब इसको हम फाइंड आउट किस तरह करते हैं, तो आइए चलते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ। स्टूडेंट ये फोर एग्जांपल्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है 7294, सेकंड है 166.2.4, 0.359 एंड 0.00359। तो फर्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अब करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए बहुत ही सिंपल एक मेथड है, आपने जस्ट नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। आपको जो ये नंबर गिवन है ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखा हुआ है, आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। किस तरह होगा, 7.294 10^3। पॉइंट आपने यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया, थ्री डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पे चले गए, तो पॉजिटिव पावर इसकी आ गई थ्री। तो जो यहाँ पे 10 की पावर होगी वो आपके पास करेक्टरिस्टिक होगी, करेक्टरिस्टिक यहाँ पर आ गई थ्री। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर आपको पॉइंट एक डिजिट पहले आपको गिवन है। अगेन आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो आप क्या लिखेंगे इसको, 1.6624 10^3। तो अगेन इससे आपको एक आइडिया हो कि आपने नंबर ऑफ डिजिट काउंट नहीं करना है, आपने जस्ट पॉइंट की लोकेशन देखनी है कि आप पॉइंट कितने डेसिमल मूव कर रहे हैं। इधर भी 0.3 डेसिमल प्लेसेस जो है आपने लेफ्ट साइड में मूव किया, तो वैल्यू अगेन यहाँ पर कितनी आ गई, थ्री आ गई। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें नेगेटिव करेक्टरिस्टिक आ सकती है, और वो क्या है, 0.359। अब इसमें आपने स्टूडेंट साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो इसको आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे और नंबर क्या बनेगा, 3.59 10^-1। इस केस में करेक्टरिस्टिक आ गई -1, ठीक है। और माइनस वैल्यू को हम 1 बार करके भी, यानी नेगेटिव साइन जो है हम हटा के साइड से उसको जैसे ऊपर बार बना के भी लिखते हैं, ये भी क्या है, -1, यानी करेक्टरिस्टिक जो है यहाँ पर भी नेगेटिव है। इस एग्जांपल में देखें स्टूडेंट, नंबर आपको यहाँ पे भी 359 नज़र आ रहा है, 359 आपको यहाँ भी नज़र आ रहा है, बट कुछ और डिजिट यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा नज़र आ रहे हैं। तो इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो अगेन 3.59 और 10^2 कितना बनेगा, -3। तो यहाँ पर करेक्टरिस्टिक कितनी आ गई, -3, और इसको भी किस तरह लिखेंगे, 3 बार। तो ये फोर एग्जांपल से स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा कि लॉग वैल्यू हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ कब आती हैं और पॉजिटिव वैल्यूज़ कब आती हैं। तो आई होप के अब आप इजीली किसी भी नंबर की करेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।